दूसर बात करते नहीं रौरा वही पर जाते नहीं वो पर मत जाई। खेसारी भाई भी ऐसा चंगुल में फंस रहा है ऐसे 4-5 साल पहले, लेकिन हम उनका मेहरारू के कहम की साक्षात महारानी का नी लक्ष्मी बाई का नी तलवार उठा के आ बॉम्बे चढ़ के आ कोठी में रहता रही आसान से आज वेनेटी वैन में भी जाता रही हर जगह जाता रही। खेसारी भाई एक से एक हीरोइन के संगे काम भी करता रहे कि ना परिवार में रहते आज खेसारी जी सब लोग के संगे रहते हुए भी अच्छा से काम करता रहे। आज लंदन में अपना परिवार के लेके गई ले अपना संगे होके वाला हीरोइन के भी उतना इज्जत देवे ले अपना हीरो के भी इज्जत दे ले और संगे कलाकार के भी इज्जत देले हम ही ना कहीं पवन सिंह ना दे लेकिन पवन सिंह जो परिवार से दूर करा तरह सन चाल बा और समझी चाल आई पवन सिंह भी समझता रहे लेकिन पवन सिंह के 5 मिनट खातिर अकेले छोड़िए सन तब तो समझिए। आज हम कहता नहीं चाची रौरा जब हम बोले ना लेंगे रौरा जब पहिलका कांड भई रहे बीरा देसाई रोड में ऊ वाला चाची रौरा बन जाए राउर पवन फैन से घर बसा लिए तो रौरे है कि वो कांड के बाद नीलम जी से शादी करनी और फैन पवन सिंह वह पवन सिंह न जो कहले रहले कि हम जब पूछ नहीं कि का हाल बात कहले कि अरे ना रे 7 बजे नीचे हम फोनो उठाओ तीन तो ऊपर से माई कहले कि ना मन बतार चाल ना छुट्टी तो फैन दौड़ के 7 बजे अंदर जाए के पड़त रहे तारा वीरा देसाई रोड में तो ऊ पवन सिंह के हम जानते नहीं ऊ पवन सिंह है जौना के घर बसल लेकिन ये सब चंदाल चौकड़ी इकट्ठा होके आ भाई तारा लोग से तारा लोग के हम खिलाफ नहीं की तारा से हाथ से निवेदन बा तू लोग अपना बच्चा के हॉस्टल में पढ़ावता रहो अच्छा स्कूल में पढ़ावता रहो अपना मेहरारू के निमन से रखता रहो पवन सिंह के मेहरारू के काहे दूर करता रहो तू अपना माई संगे रहता रहो तो पवन सिंह के माई से काहे दूर करता रहो तनी सुख तरस खा लो अपना कलाकार पर तारा लोग के देखो घर देता पैसा देता नाम देता शोहरत देता कपड़ा देता यहाँ तक तो अंदर पैंट तो फाटा था वो देता तो के माई मेहरारू के अंदर पैंट फाटो तो ओकरे पैसा के तू पेन आवत हो सन ओसन आदमी के तनी सु बक्सा सन ओकर घर बसवा दे सन आई अगर एक ए लोग में इतना दम बा हम कहते चैलेंज करते सब जाना के तारा लोग में इतना दम बा तो काहे ना एको हाल इंटरव्यू आके कहे लो कि चलो पवन सिंह के मेहरारू के हमनी के भौजी से बात कर जाओ का दिक्कत बा उनकरा के दोनों जना के एक जगह बैठाओ जो तुनी काहे ना करल सर एक मतलब तुनी में जरूर चाल बा तुनी के चाह तरह से कि पवन सिंह निर्वंशी हो जाओ और पूरा धन हमनी के हड़प ली। लेकिन भैया जो आप बोल दिए जितने साथ में रहने वाले आज तक नहीं बोले ये करंट की तरह लगेगा बात सबको चुभेगा भैया। हम पवन सिंह उस समय से हैं जौन पवन भाई के बगली में 100 रुपया ना रहत रहे विजेंद्र के बगली में 2 रुपया ना रहत रहे हमनी के एगो बेंच में बैठ के टी सीरीज में स्ट्रगल के लेबनी सन देखले बनी सन हमनी के उहो दिन देखले बनी सन कि जब पवन बाबू के पहला बोलेरो किनाई रहे और में लोग चलत रहे हमनी के उहो दिन रख 5,000 रुपया में रात रात भर जाके ब्याह के साटा कैले बनी सन हम वो बेरा से पवन सिंह के जानते नहीं वो बेरा वो परिवार के जानते नहीं तो हमारा ज्यादा मोह बा उल्टा हम यही इंडस्ट्री का हई यही इंडस्ट्री में हमारा मुँह के बा आवे वाला वंश भी हमारे यही इंडस्ट्री में रहेगा तो हम कंपनी चलावे नहीं हम कलाकार ना ही अगर टी सीरीज गुलशन जी मर गए तो भूषण जी चलाव तारे भूषण जी मरिए तो उनकर लड़का चलिए हमनी के म्यूजिक यही में मरे के बा यही में जिये के बा हमनी के केहू के चमचई करके नहीं सुनाई हमनी के जोन भी बावे अपना दम पर आइल बेसन अगर चमचई करे के रही तो पवन सिंह या खेसारी जी या भरत शर्मा के तो हम शुरू से वीडियो करे नहीं सब लोग जानता दोस्त विजेंद्र तिवारी जो भी है अभी लाइव आकर आप लोग के इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में बहुत सारा बात बोले आप लोग सुने उनके शादी से लेकर ठीक है। तो दोस्त हमको समझ में आ रहा है कि इसमें किसी का इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो क्या सोचते हैं क्या नहीं वो जानते हैं ठीक है। हम आप कुछ भी बोलेंगे तो बोलने से कुछ वो करने वाले नहीं हैं समझ गए। चलिए तो वीडियो देखिए इसी तरह आप लोग न्यूज अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा कर कि कोई भी वीडियो डाले आप लोगों को दोस्त पहले मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलाते हैं कोई नया वीडियो।